आचार्य द्रोण ने मैं शिक्षा देना अस्वीकार कर दिया। हाँ, क्योंकि ना ही मैं राजपुत्र हूं और ना ही उनका पुत्र। मुझे लगता है हमें ये स्थान छोड़कर कहीं और जाकर बस जाना चाहिए। कहाँ जाएंगे पिताश्री, कहाँ जाएंगे? जहां भी जाएं, ना शौन के साथ हुआ अन्याय हमारा साथ छोड़ेगा और ना ही तुम्हारे मस्तक पर लिखा हुआ है। हम जहां भी जाएंगे वहां भीष्म और द्रोण होंगे, किसी भिन्न रूप में, किसी भिन्न वेश में। हमें ये युद्ध यहीं लड़ना होगा, यहीं जीतना होगा। मूर्खों की भांति बातें ना करो कर्ण। यदि अन्याय को न स्वीकार करना मूर्खता है तो हां मैं मूर्ख। पिताश्री, कर्ण कहीं भी चला जाए अपना प्रतिकार लेने हस्तिनापुर लौटेगा। जो युद्ध मैंने प्रारंभ किया है उसकी परिणति यही हस्तिनापुर में होगी। कर्ण का परिचय उसका यह संग्राम होगा। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य का शताब्दियों से चला आ रहा ज्ञान नहीं, धनुर्धर तो मैं बनकर रहूंगा। एक सूत पुत्र को धनुर्विद्या कौन सिखाएगा? कौन तुम्हें महामहिम भीष्म और आचार्य द्रोण के समक्ष लाकर खड़ा कर पाएगा? कौन? वही जिसने आचार्य द्रोण और गंगा पुत्र भीष्म को सिखाया है। इन दोनों महारथियों के भी तो कोई गुरु होंगे। यदि उनमें से कोई मुझे सिखाए तो बताइए पिताश्री, कौन है इनके गुरु? वो दोनों भिन्न नहीं हैं। भीष्म और द्रोणाचार्य एक ही महागुरु के शिष्य हैं। क्या ये दोनों महायोद्धा एक ही गुरु के शिष्य? कौन है वो महागुरु? वो बस भ्राताश्री, भोजन करते समय बातें करना ठीक नहीं है, आराम करें। आप बताइए तो कौन है आचार्य द्रोण और भीष्म के गुरु? उत्तर क्यों नहीं देते आप? उससे कोई लाभ नहीं होगा कर्ण, उसे जानने तो दो। बस भ्राता, आप पहले ही कर्ण को पर्याप्त बिगाड़ चुके हैं और हर प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हर कोई पात्र नहीं होता। यदि आपने कर्ण से इस विषय में बात की तो मेरा भरा हुआ मुख देखेंगे आप। पिताश्री, आपने ताऊ को तो रोक लिया, किंतु आपको बताना होगा आचार्य द्रोण और भीष्म के गुरु कौन है। अरे आप बोल चुके हो कर्ण, जाओ भोजन कर लो। भीष्म और आचार्य द्रोण जैसे महायोद्धाओं के गुरु एक ही है, कौन हो सकते हैं? परशुराम, मेरे भगवान परशुराम, मेरे आराध्य परशुराम। वो परशुराम जिन्होंने इस धरा को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया, 21 बार, और अपने शस्त्र शास्त्र का ज्ञान मुझे सौंप दिया। आज
मैं तुम लोगों को अपने आराध्य परशुराम की सिद्धियों का उदाहरण देता हूं। सोचो, यदि युद्ध भूमि में युद्ध के मध्य तुम्हारे अस्त्र टूट जाए तब क्या करोगे? कैसे जीतोगे युद्ध? वो भी निशस्त्र? असंभव है ना, परंतु मेरे आराध्य ने इसे संभव करके दिखाया। उन्होंने बताया यदि तुम्हारा हृदय पवित्र है और लक्ष्य अटल, तो प्रकृति की कोई भी वस्तु शस्त्र बन सकती है। जैसे कि ये घास, इसे कहते हैं ऐच्छिका अस्त्र। वो अस्त्र जो अपनी इच्छा से प्रकट होता है, इच्छा से। गुरुदेव, क्या आप हमें इसका प्रयोग करना सिखाएंगे? अवश्य, परंतु समय आने पर, और वो भी उसे जो इस सिद्धि के योग्य हो। तुम्हारा मन शांत है पुत्रकर्ण? नहीं माता, परंतु मन में लक्ष्य का आह्वान अवश्य कर लिया है। मैंने निर्णय कर लिया है माता, भले ही पिताश्री क्रोधित हो, मैं आचार्य द्रोण के गुरु को अवश्य ढूंढ कर रहूंगा, उनसे शिक्षा प्राप्त करके ही रहूंगा। केवल एक ही बात है, पिताश्री स्वयं उनका नाम बताएंगे नहीं, और ताऊश्री को उन्होंने सौगंध दे रखी है। तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हारे ताऊ को सौगंध दी है तुम्हें कुछ बताने से, किंतु मुझे नहीं। ताऊ ने मुझे सब कुछ बता दिया है कल। तो बताइए माता, कौन है वो महागुरु? परशुराम। कुछ लोगों के लिए परशुराम भगवान विष्णु के अवतार है। परशुराम, भगवान परशुराम। गुरुदेव बताइए ना, आपके गुरु भगवान परशुराम इस समय कहाँ हैं? महेंद्रगिरी, यहां से बहुत दूर। क्या वहां वो कोई आश्रम संचालित कर रहे हैं? नहीं, मेरे पश्चात उन्होंने किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाया। उन्होंने संकल्प लिया कि वो कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। बस एक सामान्य ब्राह्मण के भांति तप करते रहते हैं मेरे आराध्य। अब तुम सब जाओ। प्रणिपात गुरुदेव। स्वास्थ्य अर्जुन।
आज संध्या के समय अभ्यास के लिए आ जाना, कुछ सिखाना है तुम्हें। परशुराम, मैं गुरु परशुराम के पास अवश्य जाऊंगा। मैं अभी जाकर वैशाली को बताता हूं। अरे कलेवा तो करके जा, मेरी भूख मिट चुकी है माता। प्रणिपात ताऊ, प्रणिपात पिताश्री। तुमने उसे बता दिया? क्योंकि मेरे पास सौगंध का बंधन नहीं था। मैं जाने नहीं दूंगा उसे। तो क्या करेंगे? कोई सौगंध दे देंगे। वो भगवान परशुराम के पास जाना चाहते हैं, क्या उन्हें भी सौगंध दे देंगे कि कर्ण को ना सिखाए? आर्य, ना आप कर्ण को रोक सकते हैं और ना ही उसके प्रण को। मैं महाविनाश को रोकना चाहता हूं राधा, कर्ण को सुरक्षित रखना चाहता हूं। पिता हूं मैं उसका। अधीरथ, किसान का काम है बीज डालना, उसे सींचना, उसे संवारना उसके हाथ में है, परंतु वो बीज कैसा वृक्ष बनेगा ये प्रारब्ध प्रकृति के हाथ में है। तुमने अपना काम कर दिया, कर्ण का प्रारब्ध क्या होता है ये नियति पर छोड़। मक्खी इस विश्व का सबसे छोटा और चपल जंतु है, और जो धनुर्धर इसे उड़ते मक्खी को भेद दे वही इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। फिर से लक्ष्य साधो अर्जुन। किंतु गुरुदेव, संध्या हो गई है, अंधेरे में मक्खी दिखाई नहीं देती। तो क्या अंधकार तुम्हारे प्रतिभा के लिए सीमा बनेगा? अर्जुन ध्यान से सुनो। अर्जुन, ईश्वर ने मनुष्य को 5 इंद्रियां दी, नाक, कान, आंखें, जीभ और त्वचा, और एक सच्चे धनुर्धर के पास एक और इंद्रिय होती है, वो है आभास।
अब एक बात बताओ मुझे, जब तुम्हारे पास 6 इंद्रियां हैं तो तुम एक इंद्री का प्रयोग क्यों कर रहे हो अर्जुन? क्यों? लक्ष्य भेदो। आशीर्वाद दीजिए माता। सफल होकर लौटना। संकल्प पूर्ण करके ही लौटना। मैं एक बहुत कठिन यात्रा पर जा रहा हूं पिताश्री, आज्ञा आप देंगे नहीं, इसीलिए आशीष मांग रहा हूं। पुनः कारण जब भी आपको इसी भांति दंडवत प्रणाम करे, समझ जाइएगा कि कर्ण ने अपना प्रथम लक्ष्य पा लिया कि वो संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। मार्ग मिला है, लक्ष्य नहीं। यदि तुम परशुराम जी को पा सके तो तुम्हें शिक्षा नहीं देंगे, वो केवल ब्राह्मण को शिष्य बनाते हैं। ब्राह्मण भी तो मनुष्य ही होते हैं ना ताऊ, ब्राह्मण और हम में अंतर क्या है? वो तो ब्राह्मण ही जाने। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि एक ब्राह्मण को चारों वेद कंठस्थ होते हैं। आभार ताऊ। राधेय कर्ण अपनी माता की शपथ लेकर कहता है, अब यदि आप इस कर्ण का मुख देखेंगे तो वो केवल तभी जब वो गुरु परशुराम से दीक्षा ले लेगा, अन्यथा आप मुझे कभी नहीं देखेंगे।
अंतिम प्रणाम। किंतु गुरुदेव, संध्या हो गई है, अंधेरे में मक्खी दिखाई नहीं देती। सीमाएं मनुष्य को नहीं बांधती, मनुष्य स्वयं अपनी सीमा को निश्चित करता है। प्रयास करो अर्जुन, अभ्यास करो। तुम्हारा अगला पार्ट तभी शुरू होगा जब तुम उड़ती हुई मक्खी को भेद दोगे, वो भी अंधकार में। महेंद्रगिरी, गुरु परशुराम की स्थली। वो केवल ब्राह्मण को शिष्य बनाते हैं कि एक ब्राह्मण को चारों वेद कंठस्थ होते हैं। ॐ हिरण्यगर्भा संवर्तिताग्रे भूतस्य जातः प्रतिरेक आसीत। तुम में से कोई इस श्लोक को दोहरा सकता है? मैं दोहरा सकता हूं ब्राह्मण देवता। हिरण्यगर्भा संवर्तका भूतस्य जागृत प्रतिरेक आसीत। वाह, तुम कौन हो वत्स और यहाँ क्यों आए हो? मैं कर्ण, राधेय कर्ण, और मैं आपसे चारों वेद की शिक्षा प्राप्त करने आया हूँ। और वेद सीखने की दक्षिणा क्या दोगे वत्स? शौचमिन्द्रियनिग्रहः।
कुछ मेरे पास है सब आपको सौंपता हूं। कृपा करके मुझे वेद ज्ञान दे दीजिए। वेदों का संबंध संपत्ति से नहीं है वत्स, श्रुति और स्मृति से है। तुम्हारी श्रुति और स्मृति दोनों में कोई खोट नहीं है। सीखने की लगन और निष्ठा तुम्हारे मुख पर है। मैं तुम्हें वेद ज्ञान अवश्य दूंगा कर्ण। गुरुदेव, मैं शीघ्र ही आ रहा हूं। अब स्नान करके आओ कर्ण, अभ्यास प्रारंभ करने का समय आ गया है। ओम आदित्य वसो रुद्र विश्वे देवामरुद्रणा तिलकम तू प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। वेदारंभ से पूर्व शुद्धिकरण आवश्यक होता है वत्स। तन तो स्नान के साथ शुद्ध हो चुका है, मन की शुद्धि के लिए हम गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। जैसा मैं कहूं दोहराते जाना। ओम भूर्भुवः स्वः दोहराओ कर्ण। तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तुम स्वस्थ तो हो न कर्ण? इससे अधिक स्वस्थ, आज से अधिक आतुर और आज से अधिक प्रस्तुत ये कर्ण कभी नहीं था गुरुवर्ष। आप वेद पाठ प्रारंभ कीजिए। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः स्वाहा। प्रातःकाल का सत्र संपन्न हुआ कर अब थोड़े विश्राम के पश्चात दूसरे प्रहर में
अगला अध्याय प्रारंभ करेंगे। तब तक मैं अपनी श्रुति और स्मृति का अभ्यास करूंगा गुरुवर। कर्ण, तुम्हारी मेधा के कारण पहले से ही आश्रम के शेष विद्यार्थी तुमसे ईर्ष्या करने लगे। इतने कम समय में इतना कुछ सीखना चाहते हो, ऐसी शीघ्रता क्यों? एक महान गुरु ने मुझसे कहा था कि ज्ञान बहती नदी की भांति होता है और विद्यार्थी को उसके साथ बहना होता है, और मेरी दृष्टि से देखो तो उस नदी में इस समय ज्वार आया है गुरुवर। पार जाने के लिए मुझे ज्वार के वेग से बहना होगा। अवश्य ही वो बड़े महान गुरु होंगे, तभी इतनी महान युक्ति कही। कौन है वो गुरु, क्या सीखा उनसे तुमने? है एक महान गुरु जिनसे मैंने कभी कुछ नहीं सीखा, परंतु उनसे ही मैंने अपने जीवन का लक्ष्य उन्हीं से जाना है। शिष्यों, मेरे गुरुकुल में कोई भी शिक्षा सरल नहीं। आने वाले द्वंद्व में जो शिष्य अंत तक स्थिर रहेगा वही इस द्वंद्व का विजेता होगा। मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम सब में से सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। शिक्षा आरंभ करो। आज के अभ्यास का विजेता अर्जुन है। आज का अभ्यास समाप्त हुआ। कड़ी बात गुरुदेव। स्वास्थ्य। सीमाएं मनुष्य को नहीं बांधती, मनुष्य स्वयं अपनी सीमा को निश्चित करता है। क्या हुआ अर्जुन, तुम अभ्यास में सबसे आगे हो, गुरुदेव ने भी तुम्हारी प्रशंसा की। तुम गुरुदेव के सबसे चहीते शिष्य हो, फिर प्रसन्न क्यों नहीं दिख रहे हो? मेरा लक्ष्य गुरुदेव का सबसे चहीता शिष्य बनना नहीं है भ्राता भीम, मेरा लक्ष्य कुछ और है। ये वही स्थल है जहां हम प्रथम बार मिले थे, और ये वही स्थल है जहां से मैं तुम्हें आज विदा करूंगा। गुरु दक्षिणा मांगिए गुरुवर। वत्स, इतने कम समय में तुमने चारों वेद कंठस्थ कर लिया है, ऐसा शिष्य मिल जाए तो गुरु दक्षिणा की क्या आवश्यकता?
तुम्हारा गुरु बनकर मेरा जीवन सफल हो गया कर। अब प्रस्थान की आज्ञा दीजिए गुरु। कर्ण, इतने कम समय में तुम चारों वेदों में पारंगत हो गए, फिर भी प्रसन्न नहीं हो? क्योंकि मेरा लक्ष्य कुछ और है गुरुदेव, वेद ज्ञान की ऊंचाई से कहीं ऊपर। आप तक पहुंचने की अंतिम सीढ़ी राधेय चढ़ चुका है गुरुदेव, मैं आ रहा हूं। शब्द भेदी बाण चलाना इतना सरल नहीं अर्जुन, और वैसे भी लक्ष्य को भेदने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं। ये तो मैं तुम्हें क्षण भर में सिखा सकता हूं। तो सिखाइए ना गुरुदेव। यदि मैंने तुम्हें ये कला सिखाई तो तुम इस संसार के सर्वश्रेष्ठ कैसे बनोगे अर्जुन? इंद्रियां तुम्हारी, ध्वनि तुम्हारे कान सुनेंगे और तुम्हारे हाथ बाण चलाएंगे। सामंजस्य इंद्रियों और तुम्हारे अंगों के बीच सामंजस्य। पर तो ध्यान रहे अर्जुन, इसका संतुलित रहना बहुत आवश्यक है। ये कला सिखाई नहीं जाती, अभ्यास से आती है। मैंने शपथ ली है अर्जुन कि मैं तुम्हें इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुधर बना के रहूंगा तो बना के रहूंगा मैं, परंतु बनाने के विज्ञान में टूटने का योगदान रहता है। लेकिन जब ये हस्तिनापुर का राजकुमार टूट जाएगा, पूरी तरह से थक जाएगा, तब उसके कणों से जन्म लेगा आचार्य द्रोण का शिष्य, जो इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होगा और उसका नाम होगा अर्जुन। यदि तुम्हें उस ऊंचाई तक जाना है अर्जुन, जहां आज तक कोई ना पहुंच पाया हो, तो तुम्हें उतना श्वेत बहाना होगा जिसे आज तक किसी ने ना बहाया हो। और वैसे भी शब्द भेदी बाण केवल बाण नहीं, महान अनुसंधान है, और महान वस्तुएं पाने के लिए महान परिश्रम करने पड़ते हैं अर्जुन। परिश्रम तो कर रहा हूं गुरुदेव, दिन रात आठों प्रहर, किंतु सफलता नहीं मिल रही। अर्जुन, रेत को अपने हाथों में पकड़ने का प्रयास करो, निकल जाएगी। ये तभी टिक पाएगी जब हाथों में श्वेत हो। आराम करो, फिर प्रयास करो, अभ्यास करो। समय के साथ साथ तुम्हें सफलता भी मिलेगी तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी।
शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। भगवान परशुराम, जिन तक पहुंचने के लिए इतना तप किया, उनका तप व्यर्थ नहीं जाने दे सकता मैं। जिसने परशुराम की तपस्या भंग करने का दुस्साहस किया। मैं आपकी तपस्या भंग नहीं करना चाहता था आदरणीय, मैं तो केवल इस शिवलिंग की रक्षा कर रहा था जिसके सामने बैठकर आप तप कर रहे हैं। शिवलिंग पर बाणों से प्रहार करते हो क्या तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं? शिव सर्वश्रेष्ठ है, उनसे ऊपर कोई नहीं, किसी भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी का बाण भी नहीं। महाप्रभु, ये शिवलिंग तो केवल मिट्टी की बनी आकृति मात्र है, श्रेष्ठ शिव नहीं, ये तो उसके साधक की आराधना है जो शिव को शिवत्व की शक्ति देती है। फिर भी यदि अनजाने में भूल हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। पाचाल हो परंतु तर्क का ज्ञान रखते हो, ब्राह्मण हो। चारों विधों का ज्ञान जिसे हो वो कौन हो सकता है महात्मा? प्रश्न का उत्तर प्रश्न से नहीं दिया जाता है बालक, स्पष्ट शब्दों में अपना परिचय दो। कौन हो तुम, कहां के ब्राह्मण हो? जब एक सूत को शस्त्र विद्या प्राप्त करने का अधिकारी नहीं। यदि तुम परशुराम जी को पा सके तो तुम्हें शिक्षा नहीं देंगे, वो केवल ब्राह्मण को शिष्य बनाते हैं। मैं कर्ण हूं, हस्तिनापुर का ब्राह्मण। मैं आपसे धनुर्विद्या का ज्ञान लेना चाहता हूं गुरुदेव। कितना भी प्रयास करो बालक, सूखे कुएं से जल की प्राप्ति नहीं होती है। मैं अध्यापन के कार्य से मुक्त हो चुका हूं और अब मैं किसी को शिक्षा नहीं देता हूं। जाओ यहां से, जाओ। जानता हूं कुएं और सागर में यही तो अंतर होता है, सागर कितना भी सिकुड़ जाए उसमें इतना जल अवश्य होता है कि वो संसार की प्यास बुझा सके, और आप ज्ञान के सागर हैं गुरुदेव। तुम बार बार मुझे गुरुदेव के नाम से संबोधित क्यों कर रहे हो? मैंने अभी तक तुम्हें अपना शिष्य नहीं चुना। भगवान अपना भक्त नहीं चुनते, भक्त अपना भगवान चुनते हैं गुरुदेव, और मैंने आपको अपना गुरु स्वीकार कर लिया है। तुम्हारे तर्क मुझे द्रवित नहीं कर सकते हैं।
परंतु क्यों? याचक को याचना से पहले ज्ञात होना चाहिए कि वो किसके समक्ष याचना कर रहा है। अब मैं एक साधनार्थ ब्राह्मण हूं जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। जब शस्त्र उठाने थे उठा चुका। शस्त्र शास्त्र की विद्या जिसे देनी थी दे चुका। अब ना मुझमें किसी को सिखाने का धैर्य है और ना मुझसे किसी को सीखने की पात्रता। पात्रता तो केवल परीक्षा से सिद्ध होती है ना गुरुदेव। मुझे एक अवसर दीजिए, यदि मैं योग्य सिद्ध हुआ तो कदाचित आपको भी सिखाने का मन हो जाए। बाणों का छोटा सा माया जाल रचकर कुछ तर्क देकर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे शिष्य बनने योग्य हो? नहीं गुरुदेव, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं योग्य हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है। मुझे एक अवसर तो दीजिए अपनी योग्यता और अयोग्यता प्रकट करने के लिए। मर्यादा का उल्लंघन किया है बालक। तुमने मेरे पट्टे को छूने का दुस्साहस किया है। दुस्साहस में भी साहस छुपा होता है गुरुदेव। बस एक अवसर दीजिए, परीक्षा लीजिए मेरी। मैं अपनी माता को वचन देकर आया हूं कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनकर लौटूंगा या कभी नहीं लौटूंगा। आप भी मात्र भक्त हैं, एक अवसर दीजिए। यदि मुझे सुपात्र न पाए तो इसी फर्शे से मेरा सर काट दीजिएगा। मूर्ख बालक, जानता है तू किससे बात कर रहा है? उनसे, जिन्होंने एक नहीं 21 बार धरा को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। उनसे जिन्होंने अपने पिता के वचन पर अपनी माता का सर काट दिया था। उनसे जो मुझे योग्य न पाकर एक क्षण का भी विचार नहीं करेंगे मेरा सर काटने में। अपने प्राणों के मोल पर बस एक अवसर मांग रहा हूं। याचक को खाली हाथ नहीं जाने दिया जाता गुरुदेव। मृत्यु का भय नहीं है? ठीक है, मैं तुम्हें सुपात्र सिद्ध होने का एक अवसर अवश्य प्रदान करूंगा। धन्यवाद गुरुदेव। अभी मैंने तुम्हें उठने के लिए नहीं कहा। परीक्षा करो, जब तक मैं लौट कर नहीं आ जाता। तो क्या अंधकार तुम्हारे प्रतिभा के लिए सीमा बनेगा अर्जुन? तुम्हारा अगला पाठ तभी शुरू होगा जब तुम उड़ती हुई मक्खी को भेद दोगे, वो भी अंधकार में। भीम,
भ्राता भीम, आप अंधेरे में भोजन कैसे कर लेते हैं? भोजन के लिए आंखों की आवश्यकता ही क्या है अर्जुन? भोजन कहीं भी हो, मेरी घ्राणेंद्रियां उस सुगंध को पा ही लेती है। और एक बार खाना हाथ में आ गया तो भीम के मुख के अतिरिक्त और कहां जाएगा। लक्ष्य का संबंध मनुष्य की इच्छा और अभ्यास से ही होता है। यदि इच्छा प्रबल हो और अभ्यास सघन हो तो लक्ष्य स्वयं सामने आ जाता है। मैं आपकी बात का तात्पर्य समझ गया गुरुदेव। अब अर्जुन अंधकार में भी उड़ती मक्खी पर लक्ष्य साध कर दिखाएगा। सर्प के इतने समीप आने पर भी तुम हिले नहीं। मेरे लिए सर्प का भय नहीं, गुरु का आदेश अधिक महत्व रखता है। मेरे गुरु का आदेश था जिसे मैं किसी भी मूल पर टाल नहीं सकता था। अच्छा, इतनी बड़ी बात। यदि इस जीवन में अवसर मिला तो इसे सिद्ध भी करके दिखा दूंगा गुरुदेव। ठीक है, मैं तुम्हें तीन कार्य सौंपता हूं। यदि तुम उन कार्यों में सफल हुए तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाने के बारे में अवश्य विचार करूंगा। आदेश करें गुरुदेव। यहां पास में ही एक जल स्रोत है जहां से मैं अपने लिए संध्या के लिए जल लेकर आता हूं, परंतु कुछ समय से वो जल स्रोत अवांछनीय बाधाओं के कारण अविरोध हो चुका है। तुम जाकर उसे हटाओ। अर्थात यदि एक बार सुनकर समझने की क्षमता नहीं है तो श्रेष्ठ धनुर्धर बनने का प्रयास करके तुम अपना और मेरा दोनों का समय नष्ट कर रहे हो बालक। आदेश का पालन होगा गुरुदेव। तीन बातों का स्मरण रखना। कई बार कुछ नकारात्मक शक्तियां मेरे तप में भंग डालने का प्रयास करती हैं, तब तक जब तक कि मैं उन्हें समाप्त नहीं कर देता। दूसरी बात, जल स्रोत का अविरोध हटाने के लिए तुम धनुर्विद्या का उपयोग नहीं करोगे। तीसरी और अंतिम बात, सूर्यास्त तक जल स्रोत का अविरोध हटाने में यदि तुम असमर्थ रहे तो घर लौट जाना। ब्रह्म हत्या का पाप मैं अपने सर नहीं लेना चाहूंगा। कौन है सामने आओ। ठहरो,
कौन हो तुम? परिचय दो अपना। मैं एकलव्य हूं। कौन है वहां? मैं चुनौती देता हूं, सामने आओ। मैं तुम्हें युद्ध की चुनौती देता हूं। आपको शब्द बेदी बाण चलाने का अभ्यास करते देखा तो रुक गया। कठिन कार्य है, समय लगता है, परंतु सीख जाओगे। जैसे मैं सीख गया, असफलता से भयभीत मत होना। तुम शब्द भेदी भाण चलाना जानते हो? किसने सिखाया तुम्हें? किसी ने नहीं, स्वयं अभ्यास से सीखा है, गुरु की प्रेरणा से सीखा है। अपने गुरु के विषय में बताओ। आचार्य द्रोण मेरे गुरुदेव। असत्य। तुम मेरे शिष्य नहीं हो सकते, परंतु आप मेरे गुरुदेव हो। मैंने आपको अपने शिष्य को सिखाते देखा है, देख देख कर मैं भी सीख जाए। मैंने आपको देखा और अभ्यास किया आपकी मूर्ति के समक्ष। आप मेरे मानस गुरु आचार्य। मुझे विश्वास नहीं होता। अपनी बात सिद्ध करो, प्रमाण दो कि तुम शब्द भेदी विद्या जानते हो। अद्भुत। तुम्हारी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। प्रशंसा शिष्य की नहीं, आचार्य की जाती है गुरुदेव। आपकी श्रद्धा की धनुर्विद्या सद गई, सब आपके चरणों का प्रताप है। बालक, क्या मुझे देखकर तुम्हें भय लग रहा है?
मुझे मृत्यु का भय नहीं, भय केवल इतना है कि गुरु की अपेक्षा पर असफल ना हो जाऊं। तुम्हें अपनी मृत्यु का भय नहीं है कर्ण, पर देखना यह है कि अपनों की मृत्यु के भय से अछूते हो या नहीं। माता, अब क्या करोगे कर्ण? माता, करो, प्रहार करो, क्यों रुक गए हो? अब केवल तुम्हारे पास एक ही मार्ग है, वापस लौट जाओ, लौट जाओ वापस। इसी में तुम्हारी माता सुरक्षित रहेगी। अब निर्णय तुम्हारे हाथों में है। माता के वचन को अगर पूरा करने निकले तो कहीं माता को ही ना खो देना, और अगर वचन पूरा कर भी लिए तो उसका क्या लाभ? जाओ, निकल जाओ यहां से। मेरे प्राणों की रक्षा करो, जैसे कह रहे वैसे करो कर्ण, घर लौट जाओ कर्ण, घर लौट जाओ। ये मार डालेगा मुझे। घर लौट जाओ, घर लौट जाओ कल, कल नहीं, नहीं। अपनी माया से तुमने मेरी माता का रूप तो रच डाला दाना, किंतु मेरी माता के व्यक्तित्व को नहीं रच पाए। राधे की माता के प्राण यदि संकट में भी हों, तब भी वो भले अपने प्राण दे दे, किंतु कभी मुझे अपने लक्ष्य से पीछे हटने को नहीं कहेगी।